Hello there, this is Karanvir Saharan and I'm going to teach you agronomy. And in this part of the video, we are discussing about precision agriculture or precision farming in a complete depth. Now, why I used the word depth? Just because we are learning it with the help of audio and videos. Okay, so now for the English mediums one, what is precision agriculture? हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए जो पहली वीडियो थी जो पार्ट वन था उसके अंदर हमने इसे पढ़ा था, और अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है। और इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे जितने भी हमारे जो टॉपिक्स हैं बचे हुए हैं वो सबको कवर करने की और इस चैप्टर को ख़त्म करने की। सो नाउ व्हाट इज़ प्रिसीजन फार्मिंग? इट इज़ एन अप्रोच वेयर द इनपुट्स आर यूटिलाइज्ड इन प्रिसाइज अमाउंट्स। नाउ द वर्ड इज प्रिसाइज अमाउंट्स। प्रिसाइज मीन्स जितना हो सके, जितना जरूरी है उतना ही अमाउंट में जो हमारे इनपुट्स हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। टू गेट इंक्रीज एवरेज यील्ड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यील्ड। यील्ड इज व्हाट? जो आपकी एक बार में उपज आ गई। एवरेज यील्ड इज जो आपकी बार बार लगातार जो आपकी जो यील्ड आ रही है उसे कहा जाता है एवरेज यील्ड। कंपेयर टू ट्रेडिशनल कल्टीवेशन, जो हमारा नॉर्मल एक फील्ड में या एक प्लॉट के अंदर प्रिसीजन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा है और दूसरे प्लॉट के अंदर आपका अगर नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक चल रही हैं तो उनको जब कंपेयर करेंगे तो जो हमारा प्रिसाइज एग्रीकल्चर है उसके अंदर जितनी भी आपकी जो यील्ड है वो इंक्रीज हुई है उसे इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। नाउ दिस इज जस्ट एन इमेज वेयर थिंग्स आर इन द एक्शन। किस तरीके से, दिस इज अ नॉर्मल ट्रैक्टर, नॉर्मल ट्रैक्टर विद अ केमिकल टैंक, ठीक है। स्प्रे करने के लिए जो हम नॉर्मल ट्रैक्टर या यूज करते हैं ये एक नॉर्मल ट्रैक्टर है, ठीक है। नाउ प्रिसीजन एग्रीकल्चर में किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है कि इसके ऊपर एक जीपीएस लगा दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंसर्स की, कंप्यूटर्स की, कंपोनेंट्स की, ठीक है। एक जीपीएस, डिजिटल जीपीएस लगा होता है जिससे वो उस खेत में कहाँ पर है, जो उसकी लोकेशन है, उसकी जियोग्राफिक लोकेशन है, उसके बारे में हमें पता चल सके। यह अटैच होता है एक कंप्यूटर से। नाउ द कंप्यूटर इट स्टोर्स एवरीथिंग, इट स्टोर्स द डाटा, ये उसको कैलकुलेट करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। सेम यही आपके कंसोल पे, एक स्क्रीन पे, स्क्रीन को हम हमेशा कंसोल, ठीक है, कहते हैं। तो ये सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको कंसोल पे देता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो हमारा रडार है, रडार का काम क्या होता है, जो आपकी जमीन होती है उसकी टोपोग्राफिक मैप बनाना उसका, ठीक है, उसका एक नक्शा तैयार करना कि कहाँ पे ढलान है, कहाँ पे क्या चीज़ है, आगे हमारे क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, ठीक है। या फिर अगर ये ट्रैक्टर है, अगर इसको हमने पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड किया हुआ है तो इसको किस तरीके से आगे चलने में या बढ़ने में आगे कोई असुविधा ना महसूस हो रही हो, ठीक है। अब इसी कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है जो आपका कैरियर टैंक होता है या फिर केमिकल टैंक होता है। कैरियर टैंक जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल, जैसे बेसिकली पानी होता है, ठीक है, वाटर होता है, इसको हम कैरी करते हैं। इसके साथ में चाहे हम केमिकल टैंक यूज़ कर रहे हो, चाहे हम न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट टैंक यूज़ कर रहे हो और पेस्टिसाइड्स के लिए, जो भी है जो हमारा टैंक है उसको यूज़ कर रहे हैं, इन सब का आपस में कनेक्शन होता है। नाउ व्हाट हैपन्स, द जीपीएस डायरेक्ट्स द मैसेज दैट दिस इज अवर पर्टिकुलर लोकेशन, हम यहाँ खेत में इस समय यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद रडार सेंस करता है कि उस खेत की वहाँ पे स्थिति कैसी है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर डिसाइड करता है रडार की मदद से और जीपीएस की मदद से कि उस एरिया की जो वनस्पति थी, ठीक है, बाकी सेंसर्स का भी डाटा कलेक्टेड है हमारे पास, ठीक है। नाउ वी आर इन द एक्शन। आई सेड एक्शन का मतलब हुआ कि हमने सारा फील्ड का डाटा ले लिया और अब हम उसको खेत के अंदर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे हम न्यूट्रिएंट देने जा रहे हैं, चाहे हम फर्टिलाइजर डोज देने जा रहे हैं, चाहे
पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड, जो भी हम डोज देने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ जहाँ जहाँ पे ट्रैक्टर जाता रहेगा, जियोग्राफिक लोकेशन उसकी ऑन होगी और वहाँ से वो बताता रहेगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप, चलो हम वीड्स की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे वीड्स ज़्यादा थी, तो क्या करेगा ये अपने कैरियर टैंक को और केमिकल टैंक को मैसेज भेजेगा कि यहाँ पे स्प्रे आपने ज़्यादा करनी है, ठीक है। जहाँ पे ये दिक्कत नहीं आ रही है वहाँ पे वो स्प्रे करना बंद कर देगा। सो इन दिस वे जो आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ये प्रैक्टिकली कैरिड आउट किया जाता है। आगे की स्लाइड्स में और देखते हैं, ठीक है। पर इससे पहले एक जो हमारा टॉपिक रहा हुआ है, एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब जो इसकी हिस्ट्री रही है अपने प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री से पहले पढ़ते हैं, एक जस्ट छोटा बोनस स्लाइड है हमारे पास कि जो सक्सेस रेट है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। एक्चुअली याद रखने वाली बात ये है कि वी आर हैविंग 5 आवर्स, ठीक है, हमारे पास 5 आवर्स हैं और इसी के अंदर पूरा आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिमट के रह जाता है। व्हाट आर दीज? दीज आर राइट इनपुट, हमें इनपुट राइट देना है इन द राइट अमाउंट, कितने अमाउंट के अंदर, टू द राइट प्लेस, सही जगह पे, टू द राइट टाइम, बिल्कुल निश्चित टाइम के ऊपर, एंड इन द राइट मैनर, एक सही तरीके से हमें वो इनपुट प्रोवाइड करना है। नाउ अब बात करते हैं एक हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। पहले भी बताया आपको कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ये इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, हालांकि जब से खेती शुरू हुई है तब से लेके आज तक बहुत बदलाव हो चुके हैं खेती के अंदर, पर जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ये आपका एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर में से निकल कर आता है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर फर्स्ट इमर्ज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन अर्ली 1980s में ये सबसे पहले इसका जो प्रचलन था वो शुरू हुआ, और शुरू भी हुआ था वो भी सिर्फ फर्टिलाइजर डोज और वहाँ का पीएच करेक्शंस उस एरिया की, उसको देखते हुए, उसको सही करने के लिए, या ये मान के चलो कि वहीं से शुरुआत होती है उनको रेक्टिफाई करने में, ठीक है, इन द 1980s, ठीक है। सो इन 1980s में दिस टेक्निक वाज वेरी फर्स्ट यूज फॉर मेकिंग द रिकमेंडेशन मैप्स। रिकमेंडेशन मैप्स बनाए गए थे आपके फर्टिलाइजर और पीएच करेक्शंस करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे इसका सबसे पहले जो आपका, जिसे कहते हैं हम, जो फर्स्ट स्टेज था, शुरुआती दौर था, वो यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद द वेरी फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन केम टू अलोंग ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन फ्रॉम 90s to 1930s, ठीक है। ये बता देता हूँ आपको, जो हमारा सबसे जो खेती के अंदर रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, ठीक है, 90 से लेके 1930 के अंदर, इसे एग्रीकल्चर का एक मशीनी युग भी कहा जाता है। उस टाइम पे मशीनों का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लग गया था, और धीरे धीरे नहीं, रेवोल्यूशन था तो ड्रेस्टिकली बढ़ने लग गया था, ठीक है। लोगों को पता चला कि अब मशीनों से खेती करना ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है, आपका टाइम बचाता है, लेबर बचाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इस तरीके से वो पुराने जो कन्वेंशनल मेथड से वहाँ से वो शिफ्ट हुए, और ट्रेडिशनल मेथड जिसके अंदर मशीनों का उपयोग होने लगा उस पर शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद उस टाइम पे, ओके, दिस ये नोट करने वाली चीज़ है, उस टाइम पे एक जो ऑन एन एवरेज ईल्ड आती थी वो प्रति एक जो प्रति फार्मर वो 26 लोगों का खाना बना सकता था। उस टाइम की बात कर रहे हैं, 1900 से लेकर 1930s तक की बात, ठीक है। उसके बाद 1990s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसने एक अलग ही एरा की खेती के अंदर एक अलग एरा की शुरुआत की। उसके अंदर क्या था, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आपकी जो जीएम क्रॉप्स आई उसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटीज आई आपकी, ठीक है, और एकदम ही एक बूस्टअप हुआ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एक बूस्टअप लेके आए। और इंडिया के अंदर द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एंड करंटली ही इज अलाइव, सम फेक न्यूज वर देयर दैट ही इज नो मोर, बट ही इज राइट नाउ इन आवर कंट्री, ही इज वर्किंग
with the government services. Okay, so left the part. So okay, at that time जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस टाइम पे जो सर्वे किया गया उसके अंदर पाया गया कि जो हमारा फार्मर है, एक एक पर्टिकुलर फार्मर है, वो जो पहले 26 लोगों को खाना खिला रहा था, वो अब 155 लोगों को खाना खिला सकता है उसी जमीन से. ठीक है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड दैट वाज सर्विंग 26 पीपल, नाउ इट इज सर्विंग 155 पीपल्स. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दैट अ पर्टिकुलर फार्मर हु वाज कैपेबल ऑफ serving 26 people, now he is serving around 155 people. Okay, that survey came out that any particular piece of land that was serving 26 people at that time in the early 90s to 1930, that was serving right now 155 people. Wo 155 logon ko ab khana khila rahe hain. Now the precision agriculture is the key component of the third wave of the modern agriculture revolution. अब जो हमारा तीसरा रेवोल्यूशन आएगा, पहला था मशीनीकरण, दूसरा था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. जो अब तीसरा आपका जो रेवोल्यूशन आएगा एग्रीकल्चर के अंदर, इंडिया में अभी तक इनिशिएट हुआ ही है और बाकी फॉरेन कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश हैं, उसके अंदर ही है, अच्छी तरीके से वर्किंग में है. ठीक है, और जो विकासशील देश हैं उसके अंदर ये धीरे धीरे अपने पाँव पसार रहा है. नाउ इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा फायदा होगा हमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर को अपनाने का, वो होगा दैट जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड 155 लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे खाना खिला रही थी, वो कैपेबल हो जाएगी 265 पीपल्स को खाना खिलाने की. ठीक है, अगर आप बच्चों को किसी भी पॉइंट में या फिर मेरी बात नहीं पकड़ पाओ तो वीडियो को स्टिल करके एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नाउ हम बात करते हैं करंट स्टेटस ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर इन इंडिया, या फिर परिशुद्ध खेती का इंडिया के अंदर अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं. नाउ प्रिसाइज परिशुद्ध खेती या फिर प्रिसाइज एग्रीकल्चर इंडिया में अभी एक शुरुआती अवस्था में ही है, यानी कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और इसके कुछ उदाहरण हैं जो अभी इंडिया में वर्किंग में है. ठीक है, उनमें से द वेरी फर्स्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर वाज इनिशिएटेड इन इंडिया फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने दो जिलों में, कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में, इसे लागू किया और एक स्कीम डेवलप की उन्होंने, जिसे तमिलनाडु परिशुद्ध कृषि परियोजना का नाम दिया. ठीक है, उस स्कीम के अंदर उन्होंने जितने भी आपके वेजिटेबल्स थी, ठीक है, वेजिटेबल्स का क्या होता है कि इनके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो बहुत अच्छा मिलता है. ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, प्रॉफिट मैक्सिमम होता है बाकी क्रॉप्स को देखते हुए. तो उन्होंने कुछ फसलों पे, जैसे आपकी शिमला मिर्च, सफ़ेद प्याज, गोभी, फूल गोभी आदि पे, इन सब पे उन्होंने इस योजना को इनिशिएट किया, उन्होंने शुरुआत की. उन्होंने दे सैंक्शन द लोन्स, दे हेल्प द फार्मर्स, दे गिव देम एक्सटेंशन एजुकेशन. उन्होंने डिपार्टमेंट है जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, उन्होंने वहाँ पे वर्कआउट किया. ठीक है, जो नेक्स्ट थिंग है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अंतरिक्ष अनुपयोग केंद्र अहमदाबाद में. ठीक है, नाउ अहमदाबाद में इन्होंने ट्रायल किया रिमोट सेंसिंग के लिए. ठीक है, अहमदाबाद के स्थान और समय में परिवर्तनशीलता के मानचित्रण का अध्ययन करने के लिए, सुदूर संवेदन की भूमिका का पता लगाने के लिए, जलंधर में केंद्रित आलू अनुसंधान केंद्र के खेत में इसका एक ट्रायल लिया. उन्होंने अहमदाबाद में बैठ के, जो आपके जलंधर में आलू अनुसंधान केंद्र था, वहाँ पे एक ट्रायल लिया कि हम रिमोट सेंसिंग द्वारा वहाँ से, अहमदाबाद से हम जलंधर के अंदर क्या हम मशीनरी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम वहाँ से जो डाटा आ रहा है हमारे पास उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको सही तरीके से, और उस पर एक एक्शन ले सकते हैं क्या, इसके बारे में उन्होंने ट्रायल किया गया, जो एक सक्सेसफुल ट्रायल्स में माना जाता है. ठीक है,
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर जो आपकी प्रसिद्ध कृषि प्रौद्योगिकी है, ठीक है, उसको विकास के लिए भारत में एक चैनलाइज सिस्टम शुरू किया गया जिससे पीएफडीसी नाम दिया गया, ठीक है, पीएफडीसी या प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स उनको नाम दिया गया और इसको इंडिया में लगभग 17 जगहों पर इनिशिएट, अलग अलग जगहों पे इनिशिएट किया गया, जिसके अंदर किसानों को बुला बुला के वहाँ पे या फिर किसानों तक पहुँच पहुँच कर जो नई तकनीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उनको बताया गया और इससे खेती को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए मोटिवेशन मिला, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज आती है वह कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रतन टाटा जी ने, ठीक है, उनकी जो ट्रस्ट है टाटा केमिकल्स लिमिटेड, उन्होंने यह इनिशिएट लिया गया, ठीक है। नॉट ओनली टाटाज, महिंद्राज ऑल्सो, ये सारे जितने भी बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये जो एरिया के विकसित किसान होते हैं या विकासशील किसान होते हैं या फिर जो एक लीक से हट के कुछ करते हैं, उनको हर बार हर साल एक अप्रिशिएबल मनी दे, ये सारे जितने भी बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये जो एरिया के विकसित किसान होते हैं या विकासशील किसान होते हैं या फिर जो एक लीक से हट के कुछ करते हैं, उनको हर बार हर साल एक अप्रिशिएबल मनी देते हैं, एक प्राइस मनी रखते हैं कि उसको, ताकि खेती के नए डायमेंशंस खुले, जो यूथ है या फिर जो किसान वर्ग है वो एक नई डायमेंशंस में जाए। अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए भी उन्होंने किसानों को सामरिक समर्थन और खेती की गतिविधियों का समन्वय करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है। टाटा किसान केंद्र उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज भारत में, ठीक है, इंडिया में बहुत से स्टेट्स हैं या फिर बहुत सी कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज भी है, प्राइवेट कंपनीज भी है, जिन्होंने यह एक इनिशिएशन लिया गया, उन्होंने ई चौपाल इज लाइक एक प्लेटफॉर्म बनाया, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे आप मौसम की या जितना भी है वहाँ के बाज़ार का भाव क्या है, मंडी के भाव क्या है, अलग अलग मंडियों के क्या भाव हैं, एक स्टेट में पर्टिकुलर फसलों के क्या सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो हर्बिसाइड या केमिकल्स वगैरह हैं, उर्वरक वगैरह हैं, उनके प्राइस वगैरह है, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन, डोजेज, कब छिड़कना है, क्या छिड़कना है, ठीक है, उसके बारे में लाइक कॉल सेंटर हो गया, आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, जैसे इफको किसान कॉल सेंटर्स हो गए, इस तरीके से उन्होंने इनिशिएशन लिया ई चौपाल का, जिसमें उन्होंने किसानों को जो दूर दराज किसान बैठे हैं, जहाँ पे रिमोट एरियाज में हैं, गांवों में हैं, या उन्हें पूरी न्यूज़ नहीं मिल पा रही है, और सबसे जो बड़ा फ़ायदा हुआ ई चौपाल का वो हुआ मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, जो एक इंडिया में बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि मौसम का पूर्वानुमान इतना सटीक नहीं था, ठीक है। पर अब जो हमारी जो नई हमने जियो सैटेलाइट्स वगैरह जो लॉन्च की है, उनकी मदद से मौसम की जो सटीकता है वो और भी बढ़कर आने लगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ई चौपाल था, ये सोयाबीन, कॉफ़ी, गेहूं, दाल, चावल आदि लगभग जितनी भी फसलें हैं जिस एरिया में, जितनी फसलें हैं, आप उनके हर पर्टिकुलर मंडियों के भाव जान सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेचना है तो आप वहीं से ही एप्लीकेशन के माध्यम से ही इसको बेच सकते हो, या फिर उनको कॉल करके भी आप इनको ये सब शुरू कर सकते हो। जो नेक्स्ट इनिशिएशन जो गवर्नमेंट ने लिया वो था सुदूर संवेदन और भूगोलिक सूचना प्रणाली को आपस में कंबाइन करने का, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मच वर्क हैज़ बीन डन इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका GIS था और रिमोट सेंसिंग था, इसको कंबाइन करने के लिए दे लॉन्च सेवरल सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसके अंदर जो आपकी IRS-1A और IRS-1C थी, उसके अंदर सैटेलाइट के अंदर जो उन्होंने कॉम्पोनेंट्स जो यूज़ किए थे LISS2 और
LISS 1D, ठीक है। तो इन दोनों को उन्होंने यूज़ किया किसके लिए, जो हमारी सिंचाई प्रणाली चल रही थी, जो हमारा पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पहाड़ों से लेके या फिर आपके तालाबों से लेके या फिर जहाँ पे भी जो भी सोर्सेज हैं जहाँ से पानी आ रहा है, जो नदियाँ आ रही है, उसका एक बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको, ठीक है, कि किस तरीके से इस एरिया में पानी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, इसको कहाँ पे घुमा दिया जाए, या फिर इस एरिया में ज़्यादा ज़रूरत है या इस एरिया की डेवलपमेंट होने की संभावना थोड़ी सी अधिक है, तो हम पानी को इस साइड में डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने जो आपका रिमोट सेंसिंग था और GIS था, इन दोनों की मदद से उन्होंने एक सिंचाई प्रणाली को और अच्छी बेहतर बनाने की काम शुरू कर दिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, किस तरीके से प्रिसीजन एग्रीकल्चर इनिशिएट किया जाता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो आई मेड ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड आई गेस इट विल सॉल्व ऑल द क्वेरीज, आपकी जितनी भी दुविधाएं थी वो सारी की सारी ये वीडियो सॉल्व कर देगी। सो जो सबसे जरूरी चीज है लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जो सबसे मेन काम होता है वहाँ का जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहाँ का, उस एरिया का जितना भी जो एक मानचित्र होता है कि कहाँ पे बाधाएं आ रही है आपके, कहाँ पे पेड़ आ रहे हैं, आप कहाँ पे कौन सी आपकी फसल हो रही है, इस तरीके से उसका जो एक नक्शा बनाया जाता है, उस वही एक आधार, उसको एक आधार माना जाता है और उसी पे सारा का सारा आपका वर्कआउट किया जाता है। नाउ लेट मी शो यू हाउ दे आर डूइंग दैट। इस तरीके से एक मानचित्र बनाया जाता है, एक डिजिटल मानचित्र, एक 3D मैप कह सकते हैं, जो बनाया जाता है और उसको बाद में इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। नाउ द की फैक्ट इज या जो की पॉइंट इज, नाउ व्हाट दे आर डूइंग, हर एक चीज के हर एक कंपोनेंट को एक लेयर मान के चलते हैं वो, ठीक है। आपका वेदर हो गया, ईल्ड हो गया, आपका क्रॉप मॉइस्चर हो गया, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो गया, आपके प्लांटेशन प्रिसीजन हो गया, या फिर जो आपके टेरेंस हो गए या फिर आपका सोइल मैप हो गया, इन सबको अलग अलग लेयर मान के चलते हैं और फिर बाद में इसको एक कंबाइन फॉर्म में इसको एक कंबाइन करके फिर उसके बाद में जो ये रिजल्ट निकालते हैं, जो उनके बेसिस होते हैं सोइल मैप, फिर वहाँ की टिलेज, प्लांटिंग, फर्टिलाइजर, पेस्ट, वहाँ की यील्ड और वेदर को लेके किस तरीके से वो उसको और अधिक बेहतर बना सकें, ठीक है। सोइल के न्यूट्रिएंट्स के नमूने लिए जाते हैं, इस तरीके से नमूने लिए जाते हैं, फिर उसको देखा जाता है कि उस एरिया में कितने पेस्ट्स हैं, वीड्स हैं, वहाँ पे खरपतवार कितने हो रहे हैं, ठीक है, और इस सारे के सारे डाटा को वो बाद में यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो सेंसर्स की मदद से वो देखते हैं कि जो प्लांट है आपका वो कितना विकसित हो चुका है, उसके अंदर जो ग्रीन पार्ट है या जो ग्रीन पोर्शन होता है बेसिकली, वो कितना बेसिकली फंक्शन कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे उसमें कमी आ रही है, और इस तरीके से नक्शे तैयार किए जाते हैं, मैप बनाए जाते हैं, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर वेदर फोरकास्टिंग इज द की फॉर द प्रिसीजन एग्रीकल्चर, नॉट ओनली वेदर फोरकास्टिंग, नॉट ओनली इन द प्रिसीजन एग्रीकल्चर, फॉर एवरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी वेदर फोरकास्टिंग इज द की कंपोनेंट। हमें मौसम का पता होगा तो हम उसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद में, हमारे जो पिछली सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आने के बाद, हम एक एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे विंड डैमेज कहाँ हो रहा है, या फिर जो हमारा ईल्ड का डाटा है उसको लेके, और हम उन्हें खेतों में नक्शे बना देते हैं कि कहाँ पे हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारा जो खर्च है वो व्यर्थ जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से और भी जितना भी हमारा
इस तरीके के नक्शे बनाए जाते हैं पूरे फार्म के और उनको एनालाइज किया जाता है। दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो इस तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से एनालाइज करती है। फील्ड का एक नक्शा बनाया, कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जोन्स आ गए, ठीक है, कहाँ पे और अच्छे विस्तार की या फिर कहाँ पे और ज़्यादा संभावनाएं हैं उस चीज़ को और बेटर बनाने की। नाउ एक एक पर्टिकुलर प्लांट की, दिस इज ए लेट्यूस प्लांट, ठीक है, जो आपका लेट्यूस प्लांट है। अब एक एक प्लांट का एक उन्होंने एक फील्ड के अंदर, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर रखा है और हर एक प्लांट की सेहत के लिए एक काम किया जा रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी ब्रॉड माइंड सेट कि एक एक प्लांट का ध्यान रखा जा रहा है बच्चे की तरह, ठीक है। इस तरीके से नक्शा बनाया जाता है कि कहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम है या फिर कहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और इस सब को जो आपका सॉइल डाटा होता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होता है, ठीक है, इसके साथ में कंपेयर किया जाता है। हर चीज़ को, हर एक लेयर को आपस में कंपाइल करके चला जाता है, ठीक है। और जो लास्ट के अंदर जो हमारा जितना भी जितना डाटा हमारा कलेक्ट हुआ है उसको हम बाद में कहाँ पे उर्वरक छिड़कना है या फिर कहाँ पे हमें डोज देना है, कहाँ पे लाइट डोज देना है, कहाँ पे हैवी डोज देना है, इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज अ क्रॉप लीफ, ये एक क्रॉप की लीफ है, हाँ, इसे प्लांट काउंटर भी या फिर लीफ काउंटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हेयर व्हाट वी आर सीइंग के कुछ पार्ट्स पे रस्ट आ रखा है, ठीक है, तो व्हाट दे डू, इसको स्कैन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि किस लेवल पे है, क्या ये क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, या फिर अभी ट्रीट नहीं करना है, ठीक है, जब तक एक आपका जो नुकसान का लेवल है, ठीक है, जो एस्टिमेटेड यील्ड है, जो आपका नुकसान का लेवल है वहाँ से यह कितना दूर है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो आने वाला खर्च है, ठीक है, वो खर्च प्लस जितना वो नुकसान दे रही है फसल, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई भी जो बीमारी है वो जो नुकसान दे रही है, एक कीट है पर्टिकुलर, वो जो एक नुकसान दे रहा है, ठीक है। अब दोनों ही चीज़ों को जब कंबाइन किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना उसके अंदर केमिकल का खर्चा कर दो कि जितना तो वो नुकसान ही नहीं दे रहा था, ठीक है, इस चीज़ की कैलकुलेशन भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर में किया जाता है। वो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और इन सब के बाद एक 3D मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। 3D मॉडल की मदद से जहाँ जहाँ पे भी इन्हें लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे इसको क्योर किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अवर जो हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे हम नक्शे देखते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ें हैं, ये फील्ड के अंदर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। दीज आर वेरी लाइव चीज़ें हैं, गूगल मैप्स आर वे जस्ट टू ओल्ड, ठीक है, फॉर द सिस्टम। So in this way, I hope you get how the precision agriculture is being carried out. इस तरीके से या इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप समझ गए होंगे किस तरीके से precision agriculture को एक step by step layer के अंदर follow किया जाता है या follow up किया जाता है या फिर इसके ऊपर analysis किया जाता है, ठीक है। So I hope all the topics have been covered in this video. और बाकी की हमारे जो तीन videos हैं, this one and the previous two, जो हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, ये हमारा सारा कवर हो चुका है। वी विल शिफ्ट टू अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक जस्ट एक सजेशन के लिए, आई हैव मेड ऑल द 3 वीडियोज़ इन 3 डिफरेंट वेज, तीन वीडियोज़ बनाई हैं और तीनों की तीनों ही अलग तरीके से बनाई गई हैं। आपको जो तरीका सबसे बेहतर लगा, जो तरीका सबसे अच्छा लगा, जो पढ़ने में सबसे ज़्यादा समझ आया है, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। So that was all about precision agriculture. This is Karnavir Tharan signing out.